किसी भी लड़का या लड़की की शादी में देरी होने का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? इसे आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य, विवाह के योग्य उम्र हो गई है और माता-पिता के द्वारा बार-बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? और यह कारण यदि आपको पता लग जाता है, तो इसका मात्र 21 दिन में ही आप निवारण कर सकते हैं। मात्र 21 दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोला जा सकता है, बड़े से बड़े शादी में, विवाह में देरी कराने वाले ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। देखिए प्रिय दर्शकों, कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जिसके चलते जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाई जाती है, अंततोगत्वा बात सफलता तक पहुंचती नहीं है। जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाएंगे, बार बार ब्रेक होता रहेगा, निरंतर मैरिज में डिले होता रहेगा, शादी की उम्र निकलती रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप यह पता करें कि इसके साथ ऐसा कौन सा कारण बना हुआ है कि जिसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है। तो इसे मैं बिल्कुल आसान भाषा में, सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने वाला हूं और इसका निवारण भी आपको बताने वाला हूं। तो जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाती है और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो ऐसी स्थिति में कौन सा ज्योतिषीय सबसे बड़ा कारण उसकी कुंडली में बन सकता है? तो जिन लड़के लड़कियों की कुंडली बनी हुई है, उसे एक बार निकाल लीजिए। चाहे आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करिए। आपकी जन्म कुंडली बनी हुई होगी, उसके दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा, ठीक है ना? साइड में आप एक देख रहे हैं, कुंडली का ऐसा नक्शा होता है और यह नक्शा आपके दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली के अंदर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से बना हुआ होगा, ठीक है ना? अब ये साइड में जो हम कुंडली ले रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर कुंडली है। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है, ठीक है? सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पर हम साइड में कुंडली देख रहे हैं, ऐसा कुंडली का नक्शा होता है और आपको देखना है अपनी जन्म कुंडली या लग्न कुंडली को, ठीक है? अब आपकी जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में एक नंबर लिखा हुआ है ना, वहां पर जिन लड़के लड़कियों के चार या पांच नंबर लिखा हुआ है, तो यह बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ऐसे लोगों को बहुत बार देखा गया, उपाय करने के बाद भी ना बात नहीं बन रही होती है, जहां कहीं प्रयास किया जाएगा बार बार विफल होता रहेगा प्रयास, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मैरिज हाउस का लॉर्ड शनि बनता है, जो सबसे धीमी गति से चलता है और बहुत देरी करा देता है विवाह होने में, शादी होने में। तो यह सबसे पहला कारण बनता है। जिन लोगों के साथ यह कारण बना हुआ है, नोट करके रख लीजिए, अभी समाधान भी आपको बताने वाला हूं। दूसरी कंडीशन है, इस कुंडली के जिस खाने में सात नंबर लिखा हुआ है ना, अब ध्यान रखें मैं खाने की बात कर रहा हूं, इस खाने में आपके 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा है, आपकी कुंडली के इस खाने में नंबर कोई भी लिखा हुआ हो, लेकिन इस खाने के अंदर सूर्य, मंगल, शनि या राहु, इन चारों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ हो या दो ग्रह बैठे हुए हो, तो यह भी बहुत बड़ा कारण बनता है। जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलेगी, बार बार ब्रेक होती रहेगी।
लगातार देखा गया है कि ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है और लड़के लड़कियों का विवाह तय नहीं हो पाता है। तीसरी कंडीशन ध्यान से सुने, जिन लड़के लड़कियों की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में किसी भी लड़का या लड़की को शनि की महादशा या अंतरदशा, राहु की महादशा या अंतरदशा, इसे कैसे देखेंगे? आप जन्म कुंडली के पीछे जाएंगे ना तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक रहेगी। और आजकल तो कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है, बड़ा आसान हो जाता है। आप जन्म पत्रिका के पीछे देखेंगे, विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक है। शादी के योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, ऐसी स्थिति में किसी भी लड़का या लड़की को शनि, राहु और मंगल, इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चलेगी, तो उस समय जहां कहीं पर भी प्रयास किया जाएगा समस्याएं बनेगी, जहां कहीं पर भी बात चलाई चलाई जाएगी अंततोगत्वा बात ब्रेक हो जाएगी, सफलता तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये तीन बहुत मुख्य और बड़े कारण होते हैं जो मैंने सर्वाधिक कुंडलियों में कैलकुलेट करके देखा है। और भी बहुत से कारण बनते हैं, लड़का या लड़के का गुरु या शुक्र वीक हो जाए, और भी सप्तमेश कमजोर अवस्था में बहुत बहुत कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन इतने बड़े महत्वपूर्ण कारण मैंने लाखों कुंडलियों में अनुभव करके देखे हैं कि यदि ये कारण बन जाते हैं तो बहुत बार उपाय करने के बाद भी ना समस्याएं बनी रहती है, कार्य सिद्धि नहीं हो पाती है। तो ये जो तीन कारण मैंने बताए, इनमें से कोई भी कारण यदि आपके साथ बन रहा है, या जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है, ऐसे लोग भी बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन बात ही नहीं बन रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी शनिवार के दिन से प्रारंभ करना है आपको। किसी भी शनिवार के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, जिस किसी भी लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो वह स्वयं करें तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और असरकारक रहता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर ग्रह दशाएं चल रही है वह खुद उपाय करता है तो उपाय तुरंत असर करता है। यदि बच्चा बच्ची नहीं कर सके तो माता पिता भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, माता या बहनें इस उपाय को अशुद्धि के समय नहीं करें, है ना, 7 दिन का जो समय होता है अशुद्धि का, उस समय पर ना करें, सिर धोने के बाद इस उपाय को प्रारंभ करें। और उपाय करते हैं और बीच में यदि अशुद्धि का समय आ जाता है तो उस कंडीशन में घर का कोई दूसरा सदस्य आपके निमित्त इसे कर सकता है, ठीक है। किसी भी शनिवार को प्रातः सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5:30-6 बजे के आसपास शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहले घर के पूजा स्थान में प्रणाम करें, एक घी का दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें और उसके पश्चात आपका विशेष कार्य प्रारंभ होता है। आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो तो आपको वहां जाना है, हनुमान जी महाराज के मंदिर जाएं, और ऐसे मंदिर जाएं जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, सुबह शाम आरती बत्ती होती हो, ऐसे मंदिर जाएं और जाकर के सरसों के तेल का एक दीप प्रज्वलित कर दें, और दीप प्रज्वलित करने के बाद उसमें 2 लौंग डाल दीजिए आप। सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है और दीप प्रज्वलित करने के बाद जो अंदर तेल होता है उसके अंदर 2 लौंग आपको डाल देनी है, और आसन पर बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। बहुत बार बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तो ब्रह्मचारी हैं और वह शादी का आशीर्वाद कैसे देंगे, तो देखिए प्रिय दर्शकों, समझने की बात है, इस कलयुग के प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं श्री हनुमान जी महाराज, और जीव किसी भी प्रकार की उम्मीद आश मनोकामना लेकर के उनके शरणागत होता है तो श्री हनुमान जी महाराज उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण करते हैं। और हनुमान जी महाराज की शरण में जाने से शनि मंगल राहु से जनित दोष बहुत जल्दी शांत होते हैं। जब शनि राहु मंगल के दोष ही शांत हो जाएंगे तो विवाह योग, शादी का योग अपने आप ही बन जाएगा। तो आपको सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करके 2 लौंग उस तेल में डाल के आसन पर बैठ जाएं और आसन पर बैठ के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा और ठीक से सुन लीजिए, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है, मन ही मन करना है, बहुत तेज बोल के मंत्र का जाप नहीं करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः।
मंत्र करते समय कमर झुका के ना बैठें, रीढ़ स्तंभ बिल्कुल सीधा रखें, किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। ध्यान रखें प्रिय दर्शकों, मंत्र जाप यानी 108 बार एक माला जब मंत्र जाप कर देते हैं उसके बाद 2-5 मिनट के लिए हनुमान जी के वहीं मंदिर में बैठ करके बारम्बार अपना मनोभाव मन की प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में रखें कि प्रभु मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, नजर दोष है, मांगलिक दोष है, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष ग्रहण दोष हो उसका निवारण करना, शीघ्र मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए पूर्ण मनोभाव से प्रार्थना करें। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी उपाय, कोई भी प्रयोग जितनी सच्ची तन्मयता से, श्रद्धा से, समर्पणता से, एकाग्रता से, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके किया जाता है तो उपाय उतना ही जल्दी परिणाम देता है। और शनिवार को इस उपाय को प्रारंभ कर रहे हैं, ध्यान रखें दिन में बिल्कुल ना सोएं, झूठ बोलने से, क्रोध करने से बचें, लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीजों का भक्षण ना करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार का ही सेवन करें। और संभवतः हो सके तो जिस शनिवार को कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, उस दिन कम से कम एक समय भोजन करें। और शनिवार से प्रारंभ करके यह नियम लगातार 21 दिन तक पालन करें, यानी 21वें दिन आपको पूर्ण करना है। और जिस दिन पूर्ण आप कर देंगे 21वें दिन, उस दिन आपको गौ माता की सेवा करनी है किसी न किसी प्रकार से। गौ माता को गुड़ चने की दाल खिला सकते हैं, हरी घास खिला सकते हैं, गौ माता की सेवा 21वें दिन अवश्य कर दें आप। ये एक ऐसी प्रयोग विधि है, कहने सुनने में बहुत आसान है लेकिन बड़े से बड़े ग्रहण दोष को, बंधन दोष को 21 दिन में खोला जा सकता है, बड़े से बड़ी विवाह बाधा को दूर किया जा सकता है। और हनुमान जी महाराज की कृपा से शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। मेरे ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय दर्शकों से मेरा विशेष निवेदन है, इस वीडियो को आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। आपके शेयर करने से आपको भी पुण्य फल प्राप्त होता है क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है और इस प्रयोग को करके वह लाभान्वित होंगे तो उनकी आत्मीयता, उनकी जो आत्मा है वो आपको बहुत आशीष देगी, दुआएं देगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए, हमेशा बने रहने के लिए सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैरिज से रिलेटेड शास्त्र संबद्ध जानकारियां लेकर के मैं हमेशा आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। मेरे द्वारा आप अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था और देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।